लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप सबने कई तरह की पाठशालाएं देखी होंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, रंग बिरंगी पाठशाला, लेकिन हम आपको खुले आसमान के नीचे शिक्षा प्राप्त करने वाली पाठशाला से रूबरू कराएंगे, जहां ना तो कोई एडमिशन फीस ली जा रही है और ना ही किसी तरह की कोई मंथली चार्ज। तो चलिए इस अनोखी पाठशाला के बारे में और जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, हाँ जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। इस गीत की ये पंक्तियाँ लगती हैं कि जैसे चिंतपूर्णी के पास गांव कोटला उठेरा की रहने वाली शिवांगी के लिए ही बनाई गई है। पंजाब के शहर जालंधर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस में एमसीए की छात्र शिवांगी ने एक अनोखी पाठ्यशाला की शुरुआत की है, जहां जरूरतमंद बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है, यानी यहां बच्चों से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। खुले आसमान और पेड़ के नीचे शिक्षा लेते इन नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अच्छे भविष्य की तैयारी में लगे हैं और इस काम को साकार बनाने की ठानी है चिंतपूर्णी की रहने वाली शिवांगी और उनके साथियों ने। ऐसे तो शिवांगी इस नेक काम को करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ी थी, लेकिन इनकी मेहनत और अच्छे विचारों से प्रेरित होकर उनके दोस्तों ने भी इनका साथ देने का फैसला कर लिया और अब शिवांगी के साथ उनके दोस्त भी इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। शिवांगी का कहना है कि उनको इस काम की प्रेरणा उनके परिवार से मिली है। घर से हमेशा से ही उन्हें सिखाया गया है कि अच्छा कर्म करने से ही इंसान अच्छा बनता है। इंसान की पहचान ही उनके अच्छे कर्म से होती है। लोगों की सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं इवनिंग टाइम पे बच्चों को हम सब जो है मिलकर फ्री ट्यूशन्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मेरे इस एक्ट के पीछे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है मुझे मेरी फैमिली से मिली है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे परिवार का हर एक सदस्य उन्होंने हमें सिखाया है बचपन से ही कि ज़िंदगी में अगर अच्छे इंसान बनोगे, दूसरों का अच्छा करोगे, सबसे ज़रूरी जो है कर्म यही है और यही इंसान का धर्म है। हालांकि शिवांगी को इस काम की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इनके काम को और इनके इस इनिशिएटिव को देखते हुए लोग भी मदद के लिए आगे आए। यहाँ पे जैसे और भी ज्यादा मेरी रूममेट हैं और हॉस्टल में भी सबको और ज्यादा पता लगा, तो उन्होंने भी कंटिन्यू करा, सबने आना यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। और सर इतनी ज्यादा हेल्प जो है हर एक इंसान ने, जिन्होंने भी यहाँ पे देखा है उन्होंने इतना ज्यादा करेज और इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन दी है कि नहीं आप करो काम, हम आपके साथ हैं। शिवांगी और उसके दोस्तों ने मिलकर पाठ्यशाला का नाम अंकुरम रखा है। इस नाम को रखने की जानकारी देते हुए शिवांगी की दोस्त रागिनी शर्मा ने बताया कि बीज से ही एक पौधा बनता है और ये बच्चे भी एक बीज की तरह ही हैं, जिन्हें हम सब आगे बढ़ाने और अच्छे भविष्य देने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने इस पाठशाला का नाम अंकुरम रखा है। यहाँ इस खुले आसमान और पेड़ के नीचे बच्चों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दी जाती है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ड्राइंग, गेम्स और नई नई एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनसे एक अलग ही लगाव हो गया है, यहाँ आकर पढ़ाना इनके हर रोज की एक्टिविटी में शामिल हो गया है। अंकुरम का मतलब है कि एक जो सीड है वो सीड एक प्लांट के उसमें मतलब प्लांट बनता है, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हम उनको इतने मतलब उन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो इतना ग्रो करें कि लाइफ में आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब वो अपनी लाइफ में खुद अपना स्टैंड ले सके और अच्छे से अपनी एजुकेशन को ले सके। इसलिए सबसे पहले मेरे हॉस्टल में शिवांगी दीदी रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे स्कूल में वो कर रहे हैं तो फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं अच्छा काम करें तो इसलिए।
ऐसे जैसे हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, एक अच्छे काम के लिए हम लोग यहाँ पे टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वही बच्चों का कहना है कि उन्हें यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे पहले सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन अब वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, जिससे उनके बच्चों को पढ़ने में काफी आसानी होती है। हम यहाँ पर पढ़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और दीदी भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हमारे लिए सारे कोई आते हैं यहाँ पर मदद के लिए, सारे कोई आते हैं, कोई चटाई देख कर जाते हैं, कोई कुछ ना कुछ देख कर जाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लग रहा है, पढ़ रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और यहाँ के तो बच्चे बहुत ख़राब सीखे, बहुत ठीक ठाक काम चल रहा है। सुबह पढ़ने जाते हैं स्कूल, शाम को ट्यूशन हो जाती है, आगे इतने कोई ट्यूशन वाला नहीं सीखा, ता करके बड़ा अच्छा सुविधा हो गया है। ऐसे में शिवांगी और उनके दोस्तों की ओर से किया जा रहा ये काम काफी सराहनीय है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी मदद करें। शिवांगी का यह अनोखा कदम हम सबको एक सीख देती है, बल्कि इंसान की पहचान ज्यादा पैसों से नहीं, बल्कि उसके किए गए कर्मों से होती है। जनता टीवी के लिए जालंधर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।